हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं बर्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां पर जितने भी जंगली पक्षी होते हैं उनको इलाज किया जाता है और उनको वापस छोड़ा जाता है बैक इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट। ये जो वीडियो शूट किया गया है ये एक परमिशन से शूट किया गया है, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू एंटर द प्रेमिसेस। हम उनकी प्रॉपर्टी में जहाँ पर वो ट्रीट करते हैं बर्ड्स को या फिर रखते हैं, वहाँ पर वी आर नॉट अलाउड। तो इसलिए एक स्पेशल परमिशन हमने ली है इस वीडियो के लिए। आप यहाँ पर जितने भी बर्ड्स देख रहे हैं ये यहाँ के वॉलंटियर्स या फिर उठा कर लाए हैं, या फिर जितने भी लोग हैं उनको रास्ते में चलते हुए या फिर उनकी प्रॉपर्टी में कहीं पर कोई भी घायल बर्ड मिलता है तो वो लोग उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, और ये उसके बाद उसको ट्रीट करके उसको नेचुरल हैबिटेट में वापस रिलीज़ कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पैरट्स भी आप को देखने के लिए मिल जाएंगे। जनरली लोग इनको पाल लेते हैं, विच इज़ टोटली इलीगल इन इंडिया। आप इंडियन रिंगनेक पैरट को नहीं रख सकते हैं इंडिया में, पर तब भी लोग पाल लेते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप उनको ऐसे ही उड़ा देंगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वाइल्ड में। तो यहाँ पर ये लोग उनका इलाज करते हैं प्रॉपरली, दे मेक श्योर कि बर्ड एकदम हेल्दी है, उसको अच्छे डाइट देते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं जंगल में रहने के लिए। और उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है दे रिलीज दैट बर्ड बैक इनटू द वाइल्ड। And here are the birds that you see are non-vegetarian birds. They are the Indian black kites. काफ़ी commonly आपको देख सकते हैं ये। यहाँ पर इनका होना थोड़ा सा subjective है, because they don't feed non-veg to the birds. जैसे कि आप सब जानते हैं ये पूरा rehabilitation जो है वो चलाते हैं जैन charitable trust, और it is against their rules कि वो कुछ भी non-veg utilize करें। तो इस वजह से ये लोग इनको यहाँ पर रख कर ट्रीट करते हैं और उसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में सेंड कर देते हैं, या फिर और जितने भी एनजीओज हैं वहाँ पर इनको भेज देते हैं, सो दैट दे कैन गेट रिहैबिलिटेटेड ओवर देयर। और आई थिंक सो इट्स गुड फॉर द बर्ड। And here you can see some budgies. These are Australian budgies. हिंदी में हम इनको बजरी तोता भी बोलते हैं। इनको हम आज़ाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नहीं ज़िंदा रह सकते। यहाँ का क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया जहाँ से बिलोंग करते हैं वैसा नहीं है, और जैसे ही आप इनको उड़ाएंगे इनको पक्का कोई ना कोई जानवर या फिर कोई पक्षी बहुत ईजिली मार सकता है। तो इनकी जान अगर आप बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट जस्ट फ्री देम, डोंट रिलीज देम इन ओपन। ये बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते, इस वजह से यहाँ पर इनके पास बहुत सारे बजीज हैं।
And you guys know that I also have many budgies, and it is because of the same reason log inko udana chahte hain isliye. I just had a word with the doctor अभी थोड़ी देर पहले. He told me कि इनके पास 3 से 4 हज़ार कबूतर हैं. Almost जितने भी कबूतर हैं सब के सब मांझे में लिपटे हुए आए थे. कोई भी लायक नहीं है उड़ने के और ना ही हो पाएगा 2 से 3 महीने तक. इनको सबको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है. तो अगर आपको पतंग उड़ाना पसंद है तो प्लीज़ सी टू दिस. और अगर आपका कोई भी दोस्त है प्लीज़ उसे भी ये क्लिप्स दिखाइए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छा होता है सेलिब्रेशन के लिए, पर वो अच्छा नहीं होता जब हम किसी और की इंडिपेंडेंस छीन रहे हों. यहाँ पर जितने भी आप पक्षी देख रहे हैं सब मांझे में लिपटे हुए आए थे. आप देख सकते हैं उनके कईयों के पंख कटे भी हुए हैं, जो कि शायद कभी दोबारा उड़ भी नहीं पाएंगे. तो प्लीज़ उनको ये सब चीज़ दिखाइए. यहाँ पर जो कंपार्टमेंट्स हैं वो प्राइवेट कंपार्टमेंट्स आप कह सकते हैं फॉर अ बर्ड और टू, जिनको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है ये उनके लिए है. यहाँ पर वो उन सब बर्ड्स को रखते हैं जिनको वो और बर्ड्स के साथ नहीं रख सकते हैं. एंड एज यू गाइज नो दे हैव लॉट ऑफ बर्ड्स इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स एंड दे कैन नॉट कीप देम टुगेदर. सो इट इज़ बेसिकली लाइक दैट.
I hope you guys liked the video. If you like, please hit the like button and please do subscribe. अगर आपके पास कुछ भी है मुझे बताने के लिए तो please write that in the comment section below. अगर आप मेरे से reach out करना चाहते हैं तो please reach out to me on Instagram. Description box में उसका भी link होगा. So just take care of your family, your pets and yourself also. अपने घर के आसपास के जानवरों का भी थोड़ा ध्यान रखिए. अगर भूखे हैं तो थोड़ा सा खाना दीजिए. अगर उनको चोट लगी है तो थोड़ी सी दवाई लगाइए. And don't forget to be wild.